करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। मोदी कैबिनेट में आज विस्तार किया गया और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद वो लिस्ट भी जारी हो सकती है जिसमें जो विभागों का बंटवारा है उसको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन 9 नए चेहरे जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। 9 नए राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, साथ ही 4 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है, कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बीच सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर 13 लाख रेलवे कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया है और अपने अनुभव को उन्होंने जिंदगी भर के लिए एक यादगार अनुभव बताया है। तो इसका मतलब तय है कि सुरेश प्रभु, जिनका इस्तीफा इन वेटिंग चल रहा था, वो जो है अब यहाँ पर उनका विभाग जो है वो जा चुका है। रेल मंत्रालय से उनकी छुट्टी हो गई है, जैसा कि कयास लगातार लगाए जा रहे थे, और इस्तीफे पे उनके कहा जा रहा था विचार हो रहा है, इस्तीफा इन वेटिंग था और अब इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। तो अब क्या सुरेश प्रभु को कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी? जैसे कि खबरें तो ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि उनको रक्षा मंत्रालय में भेजा जाए, क्योंकि अभी तक किसी के पास रक्षा मंत्रालय नहीं है, अभी अरुण जेटली ही रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं पर्रिकर के जाने के बाद। तो ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि क्या सुरेश प्रभु को कोई मंत्रालय मिलता है या फिर कहीं ना कहीं रेलवे में जिस तरह से लगातार हादसे हुए उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए। अब मैं आपको प्रमोशन पाने वाले मंत्रियों के बारे में जानकारी देती हूं किस तरह से। अगर हम पीयूष गोयल की बात करें, जिनका नाम अब रेलवे मंत्रालय की ओर जा रहा है कि रेलवे मंत्रालय उनको मिल सकता है, ऊर्जा मंत्रालय जो है वो संभाल रहे थे, बिजली कोयला के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया, बिना विवाद के उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन किया है, RSS के साथ बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, और ऐसे में पीयूष गोयल का प्रमोशन जो है लगभग तय माना जा रहा था। ऊर्जा मंत्री के रूप में जिस तरह से बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से कामकाज किया। अगर हम बात करें प्रमोशन पाने वाले मंत्रियों में, धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो वो भी प्रमोशन पाने में कामयाब रहे, उड़ीसा के देवगढ़ से सांसद हैं। और साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान की बात की जाए तो उज्ज्वला योजना पहल योजना से उन्हें जो प्रशंसा मिली, जिस तरह से प्रधानमंत्री की इन योजनाओं को उन्होंने सही तरीके से उनका कार्यान्वयन किया, और ऑयल सेक्टर के लिए जो नीति निर्माण का उन्होंने काम किया, ये तमाम चीज़ें और RSS के साथ जो उनकी बेहद नज़दीकियाँ हैं और जिस तरह से RSS के पूरे ढांचे को समझते हैं, और कहा जाता है कि ये दिन में 20 घंटे तक काम कर सकते हैं, तो जिस तरह की उनकी कार्यकुशलता है, तो धर्मेंद्र प्रधान का भी प्रमोशन हुआ है। यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय में बहुत अच्छा काम किया निर्मला सीतारमण ने, और निर्मला सीतारमण की बात करें तो जिस तरह से ना तो RSS के करीबी है ना ही बीजेपी की किसी पॉलिटिक्स से शुरुआत से ग्रास रूट लेवल से जुड़ी रही हैं, एक अलग पहचान बनाई, JNU बैकग्राउंड से आती हैं, और जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने पहले एक प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की छवि जो है बेहद मजबूत की, और उसके बाद जब उन्हें जिम्मेदारी मिली उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लगातार इस जिम्मेदारी को बहुत ही सही ढंग से निभाया, जो तमाम मसौदे होते थे विदेशों के साथ, जो हमारे जो तमाम वाणिज्य के क्षेत्र में जो मसौदे रहे उसमें उन्होंने बेहद कार्यकुशलता के साथ, कहा जाता है कि उनके ड्राफ्ट में भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ निर्मला सीतारमण जो हैं उसके ड्राफ्ट में भी बड़ी भूमिका निभाती थी, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने पूरे कामकाज को निभाया है, कभी किसी भी तरह के विवाद में नहीं रही हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री की पसंद बनी रही। और संसदीय मामलों का बेहतर तरीके से, जितने महत्वपूर्ण बिल पास होने थे ऐसे में विपक्ष को साथ लेकर चलना था, संसद की पूरी कोऑर्डिनेशन जिस तरह से करनी थी, अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे मुख्तार अब्बास नकवी, और जिस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मसले हों या फिर संसद के भीतर महत्वपूर्ण बिल पास कराने का मामला हो, तमाम पहलुओं को जिस बखूबी ढंग से उन्होंने निभाया तो प्रमोशन पाने के हकदार बने, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एक अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर भी वो आगामी 2019 के चुनाव में प्रोजेक्ट किए जाएंगे। तो दोनों चीजों का फायदा यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी को मिला है। जो नए चेहरों की हम बात कर रहे हैं, जो 9 नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं, उन नए चेहरों के बारे में भी आपको बता दें जिन्होंने आज राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है।